नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिरोही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई वर्षों से प्रक्रियाधीन शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बदलाव के निर्णयों का कर्मचारियों ने स्वागत किया। वरिष्ठ कर्मचारी नेता गोपाल सिंह राव के अनुसार यह ऐतिहासिक निर्णय शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही कारगर और मील का पत्थर साबित होंगे। सरकार ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम एवं राजस्थान शिक्षा नियम को मर्ज किया है, जिसे 50 वर्ष पुराने नियमों की वांछित संशोधन से सभी संवर्गों को लाभ होगा। प्रधानाचार्य के पदों पर स्कूल व्याख्याता और प्रधानाध्यापक के 80 से 20 के फार्मूले से पदोन्नति को हरी झंडी देकर विवादास्पद मसले का उचित समाधान किया है। सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के नवीन पद का सृजन करके पीईओ का विद्यालयों को राहत दी गई। वहीं व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के कैंडर को मंजूरी देकर आजादी के बाद प्रथम बार शारीरिक शिक्षकों को प्रथम श्रेणी तक प्रमोशन का अवसर दिया गया है। पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में अब पदोन्नति हो सकती है, जिसके लिए नियम में बदलाव किया गया है। विभाग को 41 पुस्तकालय प्रथम ग्रेड उपलब्ध हो सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में जाने के लिए 6D के नियमों में बदलाव करने 3 वर्ष की सेवा की अनिवार्यता कर दी गई है। राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने शिक्षा सेवा के नियमों में जो बदलाव किया है, उसके लिए हम राजस्थान सरकार का आभार प्रकट करते हैं और इन बदले हुए नियमों का हम स्वागत करते हैं। राजस्थान की सरकार ने पुराने सेवा नियमों में काफ़ी बदलाव करते हुए नए बदलाव लाए हैं, जिससे सभी संवर्गों के पदोन्नति का रास्ता खुलेगा और सभी संवर्ग कई वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, उनको पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नई भर्ती में व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक चयनित होते थे, वो कहीं कहीं अपवाद स्वरूप ऐसे भी चयनित हो जाते थे जिनके उस विषय में अंक 0 या उससे कुछ ऊपर हो। तो राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव करते हुए यह तय किया है कि जो 40% से कम अंक लाएगा उसको अध्यापक नहीं बनाया जाएगा, व्याख्याता नहीं बनाया जाएगा। तो ये निर्णय बहुत ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ ही व्याख्याता और प्रधानाध्यापक के पदोन्नति का जो विवाद लंबे समय तक चल रहा था, उसमें रेशियो तय हो गया है 80-20, वो भी स्वागत के योग्य है। व्याख्याताओं को पदोन्नति के ज़्यादा अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही सरकार ने अनेक नियमों में जो बदलाव किए हैं वो वास्तव में ऐतिहासिक है, सारगर्भित है। सरकार के इस ऐतिहासिक बदलावों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सरकार को साधुवाद देते हैं। सिरोही से हितेश कुमार जोशी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।